भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि, कला संस्कृति की जन्मस्थली, वीरों और महापुरुषों की जननी ओडिशा, कलिंग राज्य का उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है। और इसकी कहानी वे पत्थर भी कहते हैं जिन पर यहाँ के प्रतापी सम्राट खारबेल का नाम लिखा है। ओडिशा के निवासी कितने स्वाभिमानी, राष्ट्रभक्त और साहसी हैं, इस बात का प्रमाण कलिंग युद्ध स्वयं है। शक्तिशाली सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकारने के स्थान पर कलिंग की संतानों ने युद्ध में गौरवशाली मृत्यु को गले लगाया था। जब भारतीय उपमहाद्वीप को अंग्रेजी शासन का ग्रहण लगा तो पहली प्रखर ललकार यहीं से सुनाई दी। सन 1804 में जय राजगुरु और 1817 पक्षी जगबंधु चक्राविसोई ब्रेंडो माझी के नेतृत्व में हुआ पाइक सशस्त्र संग्राम विदेशी आतताइयों पर हुआ पहला आघात था। बाद में सरदार सुरेंद्र साई ने मुक्ति संग्राम को आगे बढ़ाया। उत्कल जननी ने ऐसे महामानवों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू से सींचा और आजादी के फूल खिलाए। मधुसूदन दास और गोपबंधु ने सत्याग्रह की राह पर चलकर स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। वहीं लक्ष्मण नायक, बालक बाजी राउत और रघु दिवाकर जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का कर्ज चुकाया। पवित्र प्रधान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश का मान सुरक्षित रखा। आज देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अपने महान स्वतंत्रता संग्रामियों की स्मृति के उज्जवल आलोक में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहा है। जब अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वालों की बात चलती है तो सहज ही नाम याद आ जाता है, उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का। जब देश ने सहायता के लिए पुकारा तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर युवा हरे कृष्ण ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठ खड़े हुए। एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने जेल की यातनाओं को सहर्ष स्वीकारा। असहयोग आंदोलन या नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, डॉक्टर मेहताब सतत ही संघर्ष करते रहे और लगभग 10 वर्षों तक जेल में बंद रहे। जब आप 1942 से 1945 तक जेल में कैद थे तब भी ओडिशा के गौरवशाली इतिहास की स्मृतियां आपको उत्साहित रखती। विश्व भर को अपनी मातृभूमि से अवगत कराने के लिए पहली बार डॉक्टर मेहताब ने ओडिशा के वृहद इतिहास की रचना की, जिसके हिंदी संस्करण का विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। 1946 में वे ओडिशा के प्रधानमंत्री बने और फिर अपने प्रयासों से उन्होंने 25 रियासतों का एकीकरण कर वृहदतर ओडिशा का गठन किया, जिसमें सरदार पटेल का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बाद में वे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर मेहताब अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते थे, परंतु उनका किरदार और भी बुलंद था। उन्होंने केवल नव ओडिशा की सीमाओं का ही निर्धारण नहीं किया, इसके भविष्य के लिए सपने भी देखे और निर्माण भी किए। उन्होंने हीराकुंड बांध के निर्माण, पारादीप पोर्ट और राउरकेला स्टील प्लांट सहित अनेक उद्योगों की स्थापना से आधुनिक ओडिशा की नींव रखी, तो कटक के स्थान पर भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाई। मजबूत बुनियाद पर खड़ा ओडिशा आज धमरा और पारादीप बंदरगाह का कायाकल्प हो या ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना, खनिजों का सही उपयोग हो या फिर प्रदेश को हाइड्रोकार्बन हब बनाने की बात, ओडिशा अपने नवोदय की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आज ओडिशा प्रेरित भी है और सक्षम भी। फिर निश्चय से विजय होगी, उत्कल भूमि की जय जय होगी। जय जगन्नाथ।